आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, अदालतें बीच में आए तो मलबा अदालतों पर, अदालतें बीच में ना आए तो भी सारा मलबा अदालतों पर। सियासतदान सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल करने के बजाय खुद अदालत ले जाएं तब भी मलबा अदालतों पर। फैसला जिसके भी खिलाफ आए मलबा अदालतों पर। फैसला जमीनी हकायक से हटकर नजरिया जरूरत को जिंदा किया जाए तब भी मलबा अदालतों पर। सियासतदान आयन और कानून की अपनी अपनी तशरीह करें, उन्हें कानून का एहतराम अगर बताया जाए तब भी मलबा अदालतों पर। सियासी इंतकाम में झूठे मुकदमात का अंबार खुद लगाएं, अगर कानून रोके तो भी मलबा अदालतों पर। मुल्की खजाने को बेदर्दी से क्यों लूटा, सजा सुनाई जाए तो मलबा अदालतों पर। प्रोसिक्यूशन की नाकामी से मुलजमान सजा से बच जाएं तो भी मलबा अदालतों पर। सियासी लड़ाई को खुद घसीट कर अदालत ले जाएं, कौमी इत्तफाक राय पर डेडलॉक लग जाए तब भी मलबा अदालतों पर। न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट अब नर्म या सख्त मुदाखलत के लिए तैयार नहीं तब भी मलबा अदालतों पर। सियासी मैदान में नाकामी के बाद फेस सेविंग भी लेनी होती है तब भी मलबा अदालतों पर। पंजाब और केपीके में असम्बलियां तहलील हुए एक महीना हो चुका, गवर्नर हो या इलेक्शन कमीशन कोई डेट देने को तैयार नहीं, अदालत अगर मामले का नोटिस ले ले तो भी मलबा अदालतों पर। नाजरीन, पाकिस्तान का ये अलमिया है कि मुल्क बहरानों की जद में है लेकिन कोई इदारा अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों से काम चलाया जा रहा है। अगर आज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है मगर सियासी जमातें आज भी उन्हें पुकार रही है, यानी एस्टैब्लिशमेंट बीच में आए तो मसला, ना आए तो भी मसला। अदालत कहती है सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल करें मगर वहां तकरीरों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो माय लॉर्ड, आइन का तहफ्फुज़ तो आपने करना है, अदालत आइन का तहफ्फुज़ करे तो मसला, ना करे तो मसला। सियासी जमातों ने अब अदालतों को पंचिंग बैग क्यों बना लिया है, हर मामले में अदालतों को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है, क्या इंसाफ के ईवानों को सियासी दबाव में लाने की कोशिश करना ठीक रवैया है। आज मरियम नवाज और पीडीएम हुकूमत को दो जजेस पर एतराज है, कल कोई दूसरा उठेगा और पूरी सुप्रीम कोर्ट पर एतराज उठा देगा, फिर क्या होगा? क्या ऐसी मिसालें कायम करने से मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो सकेगा? क्या हर सियासी जमात को अलग अलग अदालतें बनाकर देना पड़ेंगी ताकि ये जैसे चाहे वैसे मुल्क और कौम की खिदमत कर सके? सियासी पोलराइजेशन पाकिस्तान को आखिर किस तरफ लेकर जा रही है? एपेक्स कमेटी में सियासी और अस्करी क्यादत ने कौमी इत्तफाक राय पर ही जोर दिया है और मुल्क में अमन को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से ही जोड़ा है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि सबको एक टेबल पर बिठाएगा कौन, क्योंकि यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है। मुल्क का कौन सोच रहा है, महंगाई में पिसती आवाम की आखिर फिक्र किसको है? सियासी जमातों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मफादात हैं। पीटीआई लीडरों को बचाकर कारकुनों से जेल भर के जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाना चाहती है। पीडीएम की हुकूमत हर सूरत इस तहरीक को कुचलना चाहती है लेकिन कोई फरीक किसी दूसरे से बात करने को तैयार नहीं, तो फिर कौमी इत्तफाक राय कैसे पैदा होगा? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ को एतराज़ है वो ये है कि आप लोग अदलिया पर इतना दबाव डाल रहे हैं, इतना मामले को कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं, अदलिया को कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की असम्बली की तकरीर उठाकर देख लें, पिछले दो दिन से जो मरियम साहिबा जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं दो जजेस को लेकर, उनकी तस्वीर को चलाकर। एक मामला जब अदालत में चल रहा है इलेक्शन के मामला को लेकर तो क्यों इतनी तनकीद हो रही है पीडीएम की तरफ से? अच्छा, आपने इतनी लंबी तमहीद खींची कि हर चीज का मसला जो है अदालतों को बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाना जरूरी भी है, पाकिस्तान की तारीख को अगर खराब किया है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जितना नुकसान पाकिस्तान की अदलिया ने पहुंचाया किसी ने नहीं पहुंचाया, चाहे वो मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस था या जुल्फिकार अली भुट्टो का केस था या अयूब खान के मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर, ना सिर्फ जस्टिफाई किया बल्कि रेवोल्यूशन कह दिया। और 2000 में जब मियां नवाज शरीफ को मिलिट्री कू के थ्रू निकाला तो उसको सिर्फ जस्टिफाई नहीं किया कू को, मिलिट्री रूलर को, मिलिट्री जनरल को इख्तियार भी दे दिया कि 3 साल तक आप आइन में को तहस नहस कर सकते हैं। अब अगर ऐसी हिस्ट्री आपकी होगी और फिर 2017 में जो पनामा में, वो आप पढ़ लेना एक दफा, अगली दफा प्रोग्राम करें और वो जजमेंट पढ़ें
लेकिन ठीक है, हयात ना अहल किया गया था मियां नवाज शरीफ को किस बात पर जी? नहीं नहीं ठीक नहीं है, अभी मेरी बात सुन ले, अभी मेरी बात सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले। आपने इतनी तमहीद बांधी थी, मुझे भी बोलने दें जी। आपने कहा कि जब मामला है कि जी डेट का, उसका केपी के इलेक्शंस का और पंजाब का, और कोर्ट में पहुंच गए तो क्या मसला है? बिल्कुल बहुत शदीद मसला है, और ये खुद बनाया इन्होंने। आपने अगर 9 मेंबर लार्जर बेंच बनाया था तो सबसे सीनियर मोस्ट 9 बना देते, बना सकते थे, ये नहीं बना सकते, किसी को ना एतराज होता, उसमें जो भी आ जाता। आप नंबर 2 जज को खास तौर पर बाहर रखते हैं, और सिर्फ इस केस में नहीं, पिछले 5 साल की तारीख उठा के देख लें कि एक जज हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग के केसेस जब आए तो उनको 73 दफा उनको बेंच में बिठाया, चाहे वो 3 रुकनी बेंच था या 5 रुकनी बेंच था, 73 दफा। और दूसरे जज को जिनको नहीं बिठाना होता उनको 2 या 3 दफा। अभी आप मुझे बताएं कि ये कोई इंसाफ के तकाजे हैं? और ये वो जज हैं जिन जो पनामा में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने जजमेंट दी, उसके बाद वो मॉनिटरिंग जज बन गए। कभी मॉनिटरिंग जज का कॉन्सेप्ट आपने सुना है कि सेशन जज के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठा दिया जाए और वो अपना फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ दे चुका हो? ठीक है, इसका जितना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और किसका होगा? फिर जिस तरह से सुओ मोतो लिया गया, उसमें उसका सीसीपीओ का फैसला हो रहा था, केस उनका चल रहा था डोगर साहब का, और उठा के उन्होंने वही दो जजेस उठा के उन्होंने दे दिया चीफ जस्टिस को कि आप सीओ में तो ले लें केपी और पंजाब के इलेक्शन डेट के हवाले से। ये तो वो बातें ना जो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। ठीक है, अभी आपने माजी की बात की, पाकिस्तान की क्या माजी में सियासतदानों का, सुन लेना मेरी भी सुन लेना, माजी में सियासतदानों का अदलिया को लेकर, इंसाफ को लेकर रवैया शायद आप लोग भूल गए होंगे, हम लोग नहीं भूले हैं। माजी में क्या सियासतदान जजेस को फोन नहीं करते थे, अपने मर्जी के फैसले नहीं लिए जाते थे? अगर किसी मुखालिफ के खिलाफ फैसला आ जाता था भंगड़े नहीं डाले जाते थे? क्या शादियाने नहीं बजाए जाते थे? अगर शुरू से ही सियासतदानों ने मेरिट को सामने रखा होता, जजेस को फोन करके फैसले नहीं लिए होते, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो आज ये शायद हालत ना होती। हमारा मसला ये है फैसला हक में आ जाए, यही अदालतें अच्छी लगती हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, पीटीआई का भी यही हाल है, पीटीआई का भी यही हाल है, फैसला हमारे हक में आ जाए वही अदलिया अच्छी लगती है, फैसला खिलाफ आ जाए, फैसला खिलाफ आ जाए तो हमें जो है ना वो सबको कॉन्ट्रोवर्शियल बना देते हैं। शाजिया मुझे जवाब देने दें जी प्लीज, शाजिया मुझे जवाब दे जी, शाजिया मुझे जवाब देने दें। जिन्होंने फ़ोन किया था वो जस्टिस कयूम के हवाले से आप बात कर रही हैं, वो बिल्कुल गलत किया था और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो सियासतदान ने किया था तो वो सियासतदान ही का कसूर था, लेकिन उसको बहाना बना के आप गलत फैसले नहीं सारी उम्र देते रहेंगे कि जी उस वक्त उन्होंने फ़ोन दिया था। अगर कोई गलत भंगड़े डालता है तो जजिस का उससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वो सियासतदानों का कसूर है और सियासतदानों की निशानदेही होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर इमरान खान ने जस्टिस रमदे को और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बेशरम जजेस कहा था जब वो बैठे थे जज, कि एक चीफ जस्टिस था एक सीनियर जज था, तो उस वक्त सियासतदान का कसूर था कि ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि साकिब और निसार आके वो उनको सर्टिफिकेट दे दें सादिक और अमीन का इमरान खान को। तो जहां जिसकी गलती होती है उसके अलग तयन किया जाता है ना। मैंने ये कब कहा है कि जी 1956 से लेके या 50 से लेके सियासतदानों ने गलती नहीं की, लेकिन जजेस हैव टू राइज अबव दैट। इंडिया में भी तो जजेस है ना, पाकिस्तान में भी तो जस्टिस इतने अच्छे अच्छे आए हैं, दुराब पटेल भी तो थे ना 1980 में 1969 में जब वो भुट्टो साहब के खिलाफ, तो वो कैसे खड़े हो गए थे जस्टिस कॉर्नेलियस कैसे खड़े हो गए? जुबैर साहब हम ये क्या एग्जांपल सेट करने जा रहे हैं इस तरह? तो कल को अगर किसी को किसी भी जज पर एतराज होगा तो इस तरह तो हर कोई जो कहेगा कि हमें इस पर एतराज है, आप इसको जो है ना अपने बेंच से अलग कर दें, हम तो इनके सामने अपना केस रखना ही चाहते। ये तो एक बड़ी एक एग्जाम्पल हर एक के लिए सेट हो जाएगी, कल को कैसे हेयरिंग होंगी? शाजिया आप मेरा ख्याल है आप जुडिशियल प्रोसेस को अगर समझें तो ये रोज़ का मामूल होता है, रोज़ का मामूल होता है कि अगर मैं समझता हूँ मुझे अगर मिस्टर एक्स जज पर कोई वो नहीं है कि जी वो जज अच्छे नहीं है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त में मेरे ओपोनेंट को रिप्रेजेंट करते रहे हैं आज से 15 साल पहले, तो जब मैं सिर्फ वो उस वक्त का ऑर्डर सामने रखूंगा ना तो वो जज खुद उठ जाएंगे। ये स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, वो बात पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को तसल्ली इस हवाले से रखनी चाहिए। बार एसोसिएशंस इतराज कर
आपको तसल्ली इस हवाले से रखनी चाहिए कि जो नौ रुकनी बेंच बना है उसमें तीन जजेस ऐसे भी सामने आए जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, जिन्होंने असेंबलियों की तहलील पर सवाल उठाए, जिन्होंने खुद बेंच पर सवाल उठा दिए। मतलब कि आपको तसल्ली रखनी चाहिए जो पूरा बेंच है उसमें ओपोनेंट लोग भी, ओपोनेंट जजेस भी शामिल हैं। ओपोनेंट और सपोर्टिंग जजेस की तो बात ही नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि अगर किसी जज पर इतराज है तो वो तो खुद उठ जाना चाहिए उनको। ये रोज का मामूल होता है, इसमें कोई ये बात नहीं होती कि ये जज अच्छा है या खराब है। और फिर एक हिस्ट्री भी हो कि हर हर जो केस है उसमें एक जज बैठे होते हैं। पीएमएलएन के केस में पिछले 5 साल हो चुके हैं भाई, 5 साल हर केस जहां पीएमएलएन का लगता है उसमें वो बैठे होते हैं। तो वो खुद भी तो उनको एहसास होना चाहिए कि भाई पीएमएलएन को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अलग हो जाऊं। और फिर सबसे बड़ी बात है, अगर वो उनको रखना ही था तो आप सीनियर मोस्ट नाउ जब आप लार्जर बेंच बिठा रहे थे तो फिर हमारा ये इख्तियार है पूछने का कि फिर आपने जब सिलेक्शन की तो उन जजेस को क्यों निकाल दिया जिनके साथ सब दुनिया को पता है कि आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। ये तो होगा ना, फिर इतराजात तो आएंगे, लोग बातें करेंगे। अब ये वो जमाना खत्म हो गया कि जी अब कि जी वो इमरान खान साहब तो कह सकते थे इफ्तिखार चौधरी के बारे में, और हम अगर कहें तो फिर मुसीबत आ जाएगी। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि जब आपने पनामा का फैसला किया था इस बेसिस पर कि बेटे से सैलरी नहीं ली तो फिर सिसिलियन माफिया किस लेकिन बात सुने ना, तनकीद करने का आपने तो फैसले में कोई जिक्र ही नहीं किया कि यहाँ से करप्शन हुई है या क्या हुआ। जुबैर साहब, तनकीद करने के भी तरीके होते हैं ना, आप जलसों में उठाकर हाजिर सर्विस जजेस की आप तस्वीरें चला दें और आप अवाम को दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस बैठे हैं जिस पर हमको एतबार नहीं है। आप एतराज उठाएं, आप आर्ग्यूमेंट्स करें, लेकिन जलसों में कन्वेंशन में तस्वीरें चलाकर हाजिर सर्विस जजेस की आप समझते हैं न्यूट्रल होकर बात करें कि अच्छा मैसेज जा रहा है अवाम को, दुनिया को? मैं न्यूट्रल होकर ही बात कर रहा हूं। आज से 2 हफ्ते पहले जब ये यहां सुप्रीम कोर्ट में झगड़ा नहीं शुरू हुआ था तो आसमा शिराजी के प्रोग्राम में जब मेरे से पूछा था और उसके बाद भी कि क्या इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए तो मैंने कहा था 90 दिन में होने चाहिए। मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट पोजीशन ली थी, इतना मुझे होश है। लेकिन मुझे और शायद खान बासी ने भी इंडिपेंडेंट पोजीशन ली थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम पड़े पे हों मार का। ये तो मैंने तो आपसे सिर्फ इंसाफ के तकाजों की बात की है कि इंसाफ के मुताबिक अगर किसी पर कोई वो होता है, इतराज होता है तो उनको शामिल आप क्यों कर रहे हैं? देखे ना, दो जजेस ने जब ये कहा कि सुओ मोटो लें कि पाकिस्तान की बका का मसला है तो उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, तो फिर किसी और दो जजेस को उनके बदले डालना था। या चले आप 15 रुकनी, अभी भी वक्त है, आप पूरे के पूरे 15 रुकनी जज लगा दें तो हम कोई इतराज नहीं कर सकेगा कि भाई। या टॉप के अगर आपने 9 ही लगाने थे तो सीनियर मोस्ट 9 लगा देते, तो झगड़ा तो आप शुरू करते हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है? और फिर आप पिछले फैसले जाके देखिए, एक हमजा शहबाज के केस में जब वो चीफ मिनिस्टर के लिए वोट मिले जी, अगर आप लोग वाकई में ये समझते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए तो फिर ये मामला तो अदालतों में जाना ही नहीं चाहिए था ना जुबैर साहब। देखे ना, 90 दिन में होने चाहिए अगर गवर्नर साहब का एक मौकिफ था। हम ये तो देखें स्टैंडर्ड है, मेरा राय एक चीज हो सकती है, दूसरे किसी शख्स की राय मुख्तलिफ हो सकती है, उसका फैसला कहीं ना कहीं किसी फोरम पर तो होता है। इसीलिए तो कोर्ट्स होते हैं कि जी अगर हम गवर्नर साहब समझते हैं कि वो नहीं है मजाज डेट देने के लिए, और अगर इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि वो मजाज नहीं है, और अगर प्रेसिडेंट साहब समझ रहे हैं कि वो मजाज हैं डेट देने के लिए, और देर इज़ अ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो इसमें तो कोई खराबी नहीं है कि जी अच्छा सुप्रीम कोर्ट आप बता दें। और जब इतना सेंसिटिव मामला हो तो ना तो नया आइन बना है सेंसिटिविटी कि मैं ऐसा बेंच बिठाऊं इलेक्शंस के हवाले से, ना तो कोई नई शिक डली है आइन में, ना किसी को आइन का पता है, आइन को रीराइट तो नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शंस कोई पहली दफा तो नहीं हो रहे, कोई पहली दफा तो गवर्नर पता नहीं चलना किसी को, सब सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, गवर्नर ने तारीख दे दी है, पहली दफा ही हो रहे ना? क्या क्या मतलब पहली? नहीं नहीं नहीं, ये पहली दफा हो रहे ना, इस वजह से तो झगड़ा है। पहली दफा पाकिस्तान में हमेशा
सूबाई इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन एक साथ होते हैं, या ज़्यादा ज़्यादा पहले ये होता था 2 दिन के डिफरेंस से होता था, बट वो भी एक साथ ही कह लेना। ये पहली दफ़ा हो रहा था कि पंजाब असेंबली और केपी असेंबली पहले टूट गई थी और 90 दिन का आइन में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक अप्रैल में इलेक्शन होने थे और जबकि नेशनल असेंबली के इलेक्शन अक्टूबर में होने हैं। तो ये तो पहली दफ़ा ही हो रहा था ना, डैट इज़ वाई देर इज़ अ इंटरप्रटेशन डैट वॉज रिक्वायर्ड फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसमें दूसरे पॉइंट्स भी शामिल हैं बावजूद इसके कि जो मैं समझ जाता पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि जी केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, और वो इस वजह से आया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन पर उसको एतमाद नहीं था। इंडिया में तो एतमाद है, इसलिए कोई केयरटेकर सेटअप नहीं आता। अब बड़ी अजीब सी बात होती कि जी अप्रैल में इलेक्शन होगा पंजाब का मिसाल के तौर पर और हुकूमत बन चुकी होगी, और जब अक्टूबर में नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा तो केयरटेकर क्या 27 किलोमीटर के लिए होगी? क्योंकि वहां पंजाब में अगर सपोज करें PMLN की हुकूमत हो एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस या PTI की हुकूमत हो, तो तमाम जो सिविल ब्यूरोक्रेसी होगी वो तो उस पार्टी की लगाई हुई होगी, और वो पार्टी उस दिन इलेक्शन के दिन नेशनल असेंबली के लिए। शुक्र है ये बात समझ में आ गई है, शुक्र है ये बात PDM को समझ में आ गई है। जब इमरान खान असेंबलियां तहलील करने की बात करते थे, हम आप लोगों से ये सवाल करते थे, आप लोगों की तरफ से जवाब आता था कि हम इनको चैलेंज करते हैं कि असेंबलियां तोड़े, असेंबलियां तहलील करें, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। फिर हम आप लोगों से सवाल करते थे कि अगर PTI जीत जाती है तो कल को ये मसला होगा PDM के लिए, तो हमें यही जवाब मिलता था कि हम कैसे PTI जीत सकती है, हम तो हर तरह का मुकाबला करने को तैयार है। अगर ये निटिग्रिटी आज आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर आप लोगों को चैलेंज करने नहीं चाहिए थे, और अगर आप लोग वाकई इलेक्शंस के लिए तैयार थे तो आप लोगों को इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, एक तो मैंने कभी भी नहीं कहा था ये जो आप वाला दे रही हैं, लेकिन मैं ये एग्री करता हूँ कि हमारे बहुत से लीडर्स ने ये कहा था, ये बात बार बार कही गई थी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती है, एक होती है जब रियलिटी सामने आती है, वो रियलिटी सामने आती है तो देन यू हैव द राइट टू टेक अ पॉलिटिकल पोजिशन अकॉर्डिंग टू वॉट यू थिंक इज बेस्ट फॉर योर पार्टी इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो इस पोजीशन को लेने हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बंदूक रख के तो नहीं बैठे कि आप फैसला करके बताएं कि डेट, बट आप अगर कंट्रोवर्सी अभी इस बात पर क्रिएट कर देंगे, जबकि तमाम बार एसोसिएशन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगर ये कह रहे हैं कोर्ट को कि जी आप इन जजेस को हटा दें वहाँ से, तो फिर इसमें क्या इतना बड़ा मसला है, क्यों आप फोर्स करना चाहते हैं? और एक एक हिस्ट्री है जिस पर इतराज़ किया जाए। आप ये कह सकती हैं कि जलसे में तस्वीर क्यों दिखाई थी, लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। चलिए आप समझते हैं कि जलसे में इस तरह तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। 5 years इज इट अ नॉर्मल थिंग? या आप अग्री करते हैं तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए? मेरा ख्याल है देखें वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, एक तो वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द जुडिशरी व्हिच इंक्लूड सेवरल जजेस सिटिंग इन द बेंच टुडे। We have suffered as a result of that. As a political party, we have been undone. तो अगर वो उसका एक आप ये कहेंगे जी नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जी ना दिखाएं, 10 लोगों का ये होगा कि क्यों ना दिखाएं हम, जब वो ओपनली एक हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कर दिया रूलिंग ये देते हुए कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, और उसको फिर ये भी रूलिंग दे दी उसके बाद कि जी ये कोई पोजीशन भी नहीं ले सकते, सियासत में भी नहीं हिस्सा ले सकते, कोई पार्टी में पोजीशन भी नहीं होल्ड कर सकते। मतलब यार एक लिमिट होती है, और वो जजेस बैठे हुए हैं, तो फिर हम इन्हीं अदालतों की रूलिंग की वजह से हो सकता कि हमारा बिहेवियर जो हो वो वाला हो जो UK में जजेस होते हैं। हाँ, इन्हीं अदालतों की रूलिंग की वजह से जब रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, आज PDM की आप लोगों की हुकूमत कायम है, नवाज शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, फिर अदालतों के ये भी फैसले आप देखें ना कि मेरिट पर हो रहा है सब कुछ, आयन और कानून के मुताबिक हो रहा है। अच्छा सुन लें पहली बात तो ये है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि 12 बजे खुली थी, 12 बजे खुलने का सेंस था बिकॉज वो जब उन्होंने 7 अप्रैल को एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें इलीगल करार दिया था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को, तो उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि 9 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 9 तारीख खत्म कब होती है? 12 बजे खत्म होती है। तो अगर 12 बजे खत्म होती है और जो PTI के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे दे रिफ्यूज टू कंडक्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो फिर क्या करते हम? क्या करते हम? कोर्ट नहीं जाते? हम कहते अच्छा अभी थोड़े दिन गुजर जाए
और फिर पता चलता कि एक लीगल लकुना आ गया कि चूंकि कोर्ट ने कहा था कि 12 बजे 9 तारीख कौन है, 9 तारीख तो खत्म हो गई थी, तो फिर 10 तारीख को या 11 तारीख को फिर पीटीआई की पोजीशन डिफरेंट होती कि जी ये तो 9 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, ये वो तो गुजर गई है, उसमें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। ये अजीब मजाक है कि एक कोर्ट की गाइडलाइंस पर हमने अमल कराने के लिए जब रात के 10 बज गए थे, 11 बज गए थे, तो हम क्यों ना कोर्ट जाते, क्यों ना कोर्ट के दरवाजा खटखटाते। ये अजीब बनता क्या कि जी कोर्ट क्यों गए थे। तो उस वक्त इन्हीं जजेस के बारे में इमरान खान ने क्या एक साजिश का बयानिया बनाया ना कि रातों को खुली हैं, तो जब वो बना रहे थे और उन्होंने वो तूफान बरपा किया, मैंने अभी पहला जब आपसे सवाल किया ना, मैंने अगर हम ये पॉइंट आउट कर कि हमारा मसला ये है ना, फैसले हमारे हक में आ जाएं तो अदालतें भी अच्छी लगती हैं, खिलाफ आ जाएं तो वही अदालतों पर हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सियासत का, हमारे सियासतदानों का बदकिस्मती इसको कह दें, ये अलमिया है और इसी के साथ हम लोग जो है ना वो इस मुल्क में चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन लेकिन ये प्लीज, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर नहीं बात कर रहा, लेकिन अगर अमल से अगर फैसले सियासी बेसिस पर नहीं आएंगे, अगर प्रेशर में आके फैसले नहीं किए जाएंगे, तो फिर वो सबको नज़र भी आएगा। लेकिन अगर किसी के कहने पर प्रेशर के ऊपर फैसले दिए जाएंगे, मैंने आपको जिस तरह एक एग्जांपल दिया आप ये कि जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ का सिर्फ वैलिडेट नहीं किया, उनको कहा 3 साल तक आप आइन में चेंजेस कर सकते हैं और धड़ल्ले से कर सकते हैं, मतलब आप मुझे बताएं तो उस पर अगर पूरी दुनिया हंसती नहीं है, पूरी दुनिया को ये समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है। जब सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, जब मार्शल लॉ नहीं लग सकता, जब 58(2)(b) खत्म हो गया, तो जुडिशरी के थ्रू आप प्राइम मिनिस्टर को फारिग करना शुरू करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी को जुडिशरी के थ्रू फारिग कर दिया, नवाज शरीफ को जुडिशरी के थ्रू फारिग कर दिया। आई मीन एक बंदा इलेक्ट होके आता है, ही इज लीडर ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसको आप उठा के एक झटके में फारिग करते हैं। सही, जाते जाते बता दें आपके भाई तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद उमर, उनसे आपका कोई राबता हुआ शाम के मुख्तलिफ ज़िलों में? पता चला है कि उनको राजनपुर भेज दिया गया है, शाह महमूद कुरैशी को भी कहीं दूर लैया में भेज दिया गया है, तो कोई राबता हुआ? पहले पीटीआई वाले उनको बड़ी जल्दी थी जेल भरो तहरीक की, आप उन्हीं की फैमिलीज़ जो हैं वो चाह रही हैं कि उन हाईकोर्ट चली गई हैं कि उनको जो है ना वो बाजियाब करवाया जाए, कोई राबता हुआ है आपका असद उमर साहब से कि वो कैसे हैं? नहीं, मेरा तो नहीं रबता हुआ है, बट मैंने कोशिश ज़रूर की थी रबता करने की, और टू इंश्योर कि जी कोई उनको जो भी ज़रूरियात हैं, दवाइयां हैं, जो भी है वो पहुंच जाएं। बाकी तो उनकी अपनी मर्ज़ी थी ना, हमने तो नहीं कहा था, बाकी उनकी मर्ज़ी थी, लेकिन फिर भी इंसाफ होना चाहिए। और मेरा ख्याल है अब उनको भी, उन्होंने भी जो इमरान खान ने फैसला किया था, फजूल किस्म का फैसला किया था, इसका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा कि जी अगर 300-400 लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो मेरा ख्याल है अब उन्होंने भी इमरान खान को खुद रियलाइज हो रहा है कि ये कोई फैसला सही नहीं था। तो दवाइयां वगैरह पहुंचा दी, जाने की इजाजत है, कोई मिलने मिलाने की किसी को कह रहे हैं इजाजत ही नहीं दे रहे हैं? वो जो हमारी जिसके थ्रू बात हो रही थी, जाहिर जी नहीं 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 मेरा नहीं ख्याल है ऐसी बात है, होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जुबैर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं माहिर कानून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चॉय साहब आपका। चॉय साहब, मसला था कि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान किसने करना है, इस पर सोमोटो तो अदालत ने ले लिया, लेकिन अब इतनी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं कि अब देखना है कि असेंबलियों की तहलील भी आईनी थी, गैर आईनी थी, फिर दो जजेस पर जो सवाल उठ रहे हैं, और फिर कहा जा रहा है कि नहीं जी आप फुल कोर्ट बना दें, ये मामला किस तरफ जाता हुआ आपको लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि इलेक्शंस की तारीख से पहले अब बहुत सारी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी? देखो, इलेक्शन की तारीख के बारे में तो 90 दिन का अटल मामला, इसमें तो अब सब कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आईन ये नहीं कहता कि इलेक्शन विल बी हेल्ड इन विद इन
90 डेज आइन कहता है इलेक्शन शैल नॉट बी हेल्ड इन मोर देन 90 डेज, यानी 91st डे तो इलीगल हो गया। अब ये असल में बात जो कलीदी बात की है जिस पे ये सारी लाइन मुझे सतूर और ये सफे सब बंधी हुई हुई नजर आती है, वो की है जो प्राइम मिनिस्टर ने परसों अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस के खिताब साथ से वो अपने साथ बिठा के बातियों को उसने उन्होंने उन्हें जो बात की है कि मैं अब चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ, वजीर आजम के तौर पे नहीं पर मुस्लिम लीग जो नवाज पी एम एल नून के सदर के तौर। अब ये उन्होंने से एक बाकियों को तो अलहदा कर दिया पर वो कलीदी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं अपील क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे खिलाफ जजेज है उनके सामने हमारे केस न लगाए जाए। अब इसका मतलब है कि दो किस्म के जजेज हो गए सुप्रीम कोर्ट में, दरार बीच में पड़ गई। वो जो मैं कहता हूँ ग्रुप ए ग्रुप वन या ग्रुप ए जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ है और दूसरे जजेज वो जो ग्रुप बी है जो नवाज शरीफ के हक में है या खिलाफ नहीं है। अब ये तो बड़ी अजियतनाक बात है बिल्कुल, ये मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में आप हर वक्त कहेंगे कि आप ग्रुप ए के हैं कि ग्रुप बी के हैं, ये जिसका ब्लड ग्रुप होता है इस किस्म की नई इख्तलाह निकल आएगी और अब ये खपा लग जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो बड़ा अजीब सा प्रेसिडेंट एक सेट हो जाएगा, हर कोई कहेगा अपनी मर्जी के जज चाहिए, ये हमारे अगर हक की बात करें तो हमें तो अपने बेंच में यही चाहिए, हमें तो हमारी समाअत इन्हीं के आगे लगनी चाहिए, तो बड़ा अजीब सा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अजय साहब। हाँ हाँ बहुत अजीब और बड़ा मतलब भयानक सा। आप मतलब मोर लगा रहे जज के माथे पर कि आप मेरा केस सुन ही नहीं सकते क्योंकि आप मेरे खिलाफ। अच्छा अब अगर आप उसमें 6-7 जज ले आते हैं तो 6-7 जज ऐसे होंगे कि जो आपके खिलाफ ही नहीं होंगे जो आपके होंगे, तो उसका मतलब है कि ये सुप्रीम कोर्ट अब इस तरह पहचानी जाएगी कि कौन नवाज शरीफ के कौन सा जज नवाज शरीफ के साथ है और किसके माथे पे मोर लगी हुई है कि वो जो नजर आ जाए आपको देखते ही आपको। तो बेहतर क्या है कि इस मामले पर फुल कोर्ट ही बन जाए जो फारूक एच नाइक ने कल बात की, क्योंकि सवाल तो इस पर यह भी उठ रहा है ना कि सीनियर जज सरदार तारिक साहब और जस्टिस काजी फैज ईसा को आप लोगों ने शामिल क्यों नहीं किया, तो बेहतर इसके है कि दो को निकाल दें दो को शामिल कर दें तो बात फिर तो इसी पर आकर खत्म होती है कि फुल कोर्ट बन जाना चाहिए। नहीं आप तो गिनती हुआ करेगी ना, फुल कोर्ट भी गिनती का सवाल हो गया ना, गिनती का सवाल ये हो गया कि फुल कोर्ट में दो जज कौन से ग्रुप ए के आप निकाल रहे, ग्रुप ए के निकाल दिए तो ग्रुप बी की बर्तरी हो जाएगी पहले दिन से पता है आपको, और वो ग्रुप ए और ग्रुप बी अपने फैसले इस ख्वाहिश के तहत या इस असूल के तहत नहीं करेंगे कि वो मुतमईन है किसी बहस से कि नहीं, वो इस असूल पे करेंगे कि वो नवाज शरीफ ग्रुप ए के हैं कि ग्रुप बी के हैं, वो नवाज शरीफ के साथ है या नवाज शरीफ के खिलाफ है। अब ये मतलब अब तो गिनती विनती बेमानी हो गई, ये असूल बेमानी हो गया। एतजाज साहब आपने अपनी करियर में इतनी खतरनाक किस्म की तकसीम पहले कभी तारीख में देखी है पाकिस्तान की अदलिया में? मैं समझता था कि 1997 में इस तरह की खतरनाक तकसीम हुई है जिसका बहुत नुकसान हुआ अदलिया को, वो सिर्फ अदलिया को नुकसान हुआ और 10 जज एक तरफ हो गए और 7 जज एक तरफ हो गए, अलग अलग दो लिस्टें आनी शुरू हो गई, पर उस वक्त तक मुझे ये नजर नहीं आया था कि यहाँ ये तकसीम जो है ग्रुप ए और ग्रुप बी की ये जजों के और लोगों के दिनों में ही दाखिल कर दी है कर दी गई है और इस कदर कर दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो फरमा रहे गुजारिश कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि उन जजेस के साथ उनको बिल्कुल ही डिस्क्वालीफाई कर दें, यानी उनको सुप्रीम कोर्ट से ही फारिग कर दें।
एक तरफ फारिग हो गया ना, जो अगर वो एक बिल्कुल बिल्कुल तो इनके हवाले से इनके कॉन्टेक्स्ट में वो फारिग, वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही नहीं और इनके केसेस जो ना लगे। और जो ऑडियो टेप सामने आई कुछ दिन पहले वो तो फिर इस सारे मामले पर वाकई एक मोहर सुप्त कर देती हैं कि वाकई ये तकसीम बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। वो जो ऑडियो टेप से बढ़ के जो बात है, जो मरियम बीबी ने तस्वीरें चलाई हैं सरगोधा में अपने खिताब में किया और तस्वीरें लटका के उनकी तस्वीरें लटका के सारे जलसे से खिताब कर रही और उन जजेस पे एक एक को क्या गैंग ऑफ फाइव के क्या उन्होंने बनाया हुआ और वो तस्वीरें दिखाई उसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, वो ग्रुप ए के थे। अब ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी को मैं समझता सोचना चाहिए कि ये अना का मसला नहीं है, ये अना का मसला, इसको ना बनाए कोई भी ना ग्रुप तो ए वाले। हल क्या है इसका, हल क्या है इसका? हल तो मतलब है अब सुप्रीम कोर्ट ने ही ढूंढना है इन जजों को आपस में बैठ के, ये हल इसका कोई नहीं जब तक ये दरार रहती है। क्योंकि जैसे शब्दुल शकील का एक शेर है और ये जजेस में अब हो गया कि ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, ये खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस, टकराव हो गया है अना का अना के साथ, खतरनाक सिचुएशन हो गया है। और ये मतलब जजेस ने चला गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर सिर्फ इस बुनियाद पर फैसला करेंगे कि वो ग्रुप ए में है और या वो सिर्फ इस बुनियाद पर करेंगे कि वो ग्रुप बी में है, तो ये तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होगा उस दिन थप्पा माथे पर लग जाएगा बिल्कुल कि ये हमारे साथ। तो फिर फैसले तो जजेस के कहलवाए जाएंगे, फैसले फिर अदालतों के तो नहीं होंगे एतजाज साहब? नहीं, जजेस के फैसले ही इस बुनियाद पे आएंगे कि वो खैर और शर की बात नहीं है यहाँ तो बस। अब वो दोनों ग्रुप में जितने जजेस को मैं जानता हूँ, अगर ये ग्रुप अब ये है, अगर ये पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा केस फिक्सिंग का सबसे पहले कि ये जज तो खिलाफ है भाई मियां नवाज शरीफ के, ये नून लीग के खिलाफ है, फिर नून लीग के हवारियों और इत्तेहादियों के भी खिलाफ होंगे, तो फिर अब वो नून लीग के जो तो अब नून लीग का मुतालबा देखे ना, वो कहते हैं कि 2017 से शुरू करें, पनामा लीग से शुरू करें, जो ताहयात पाबंदी लगाई है आप लोगों ने नवाज शरीफ पर उससे इस मामलात को शुरू होना चाहिए, तो अब तक आप लोगों को ना फिर सारे मामलात को देखना चाहिए। मतलब कि ये ग्रुपिंग जो है ना वो 2017 से नून लीग अपने दिमाग में अपने जहनों में लेकर बैठी हुई है। बिल्कुल सही है, और ये ग्रुपिंग उससे पहले के लिए रही है, वो तो एक वाकया हो गया था। कहते हैं कि तो बेटे से तनख्वाह ना लेने की सजा दी, उसकी सजा नहीं, असल में बहुत सीरियस मामला था, इसको इस तरह पुट करना चाहिए था। और वो असल में जो शायद उन जजेस का एक कहने का मकसद भी ये था कि देखो अगर आप बरतानिया के वजीर आजम या भारत के वजीर आजम, तो आपको कुछ बर्दाश्त करेगा कि आप एक फॉरेन मुल्क दूसरे मुल्क की किसी कंपनी हो, आप भले आपकी बेटे की कंपनी हो, यह असली बात बिल्कुल बिल्कुल आईनी कानूनी बात कि आप वजीर आजम बरतानिया से हो और भारत के रिलायंस ग्रुप या अडानी ग्रुप में आप जनरल मैनेजर हो, तनख्वाह नहीं लेते हो, ये अकामा ही जो है वो ही एक जुर्म है इस ऐसी ऐसी पोजीशन में बैठे हुए। अब अकामा के आगे आप अकामा के लिए क्या बताता है कि आप मुलाजिम हैं इस कंपनी और वो कंपनी इधर दुबई में रजिस्टर्ड है। अब ये उकामा ही क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इंडिया ये बर्दाश्त करेगा कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ब्रोकन हिल के वो का वो डायरेक्टर हो या उसमें उसका उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में या वो वाइस प्रेसिडेंट बोर्ड का हो या प्रेसिडेंट हो, ये बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। अच्छा चौहान साहब मुझे एक बात बताएं, चौहान साहब एक बात बताएं, अब कर रहा हूँ किसी
हाँ, अब अगर दो इन जजेस पर सवाल उठा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, JUIFA, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनसे मुतालिक किसी मुकदमे की समाप्त ना करें, मतलब कि क्रॉस लगाया जा रहा है कि इन तीनों पार्टियों से मुतालिक जो केसेस होंगे, ये दो जजेस जो हैं ये इन पर समाप्त ना करें, इनको ना सुने, ये मामला क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन किसने करना है? वो आइन के मुताबिक, और ये तो बहुत सारे जजमेंट है, वो जजेस ने करना है, अदालत ने करना है। पर ये अदालत पे आप, और यहाँ मैं समझता हूँ कि नाइक साहब को भी इस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो हमारे नॉन नुमाइंदा है, कि ये वो उसी जो हम मामले में ग्रुप ए और ग्रुप बी ये जजेस ने नहीं कर रहे, और अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप ए हमारे खिलाफ है और ग्रुप बी हमारे हाथ में है, तो हम इससे क्या कमाएंगे? सही, तो चॉइस साहब, अब मामला अदालत में सबसे पहले क्या देखा जाएगा, इन एतराजात के बाद इस केस की अहमियत क्या रह जाती है, नंबर एक। नंबर दो, अब अगर असेंबलियों की तहलील पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने उठाया है, कि अब तो हमें यह भी देखना होगा कि जो KPK और पंजाब असेंबलियां तहलील हुई, ये आइनी थी, गैर आइनी थी, कानून के मुताबिक हुई या गैर कानूनी तौर पर हुई, क्या फिर वो दोबारा असेंबलियां भी बहाल हो सकती हैं? तो इतने ज्यादा वो आगे सवालात उठ खड़े हुए हैं, तो लगता ये है कि इंतखाबात के इलेक्शन का मामला पीछे चला गया, पहले और से मामलात को हल करना होगा अदालत को। शाजिया, बदकिस्मती से जो लोग अब इसको लेंगे ना, वो ये लेंगे कि इसको इस इंटेलेक्चुअल बहस के तौर पर नहीं लेंगे, कि ये बड़ी इंटेलेक्चुअल बहस, इसको शबनम शकील के उस शेर के मुताबिक ही लेंगे, कि ये बुनियादी तौर पे अगर आप ग्रुप ए में है तो आपका एक फैसला है, और ग्रुप बी में है तो आपका एक फैसला है, और ये दरार आपके सुप्रीम कोर्ट में ऊपर से नीचे तक है, और आपको पता है कि अगर फलां जज साहब है वो चाहे इसको किसी और नतीजे पे पहुंच रहे हैं अपने फैसले के, वो किसी और रास्ते से पहुंच रहे हैं, वो आके मंजिल उसी पे आके ठहरेंगे जिस पे उनको आपने पहले डिफाइन कर दिया कि ये नवाज शरीफ के हक में है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ, ये डिवाइड हो गई है अब कोर्ट रूम में, और चॉइस साहब, ये असेंबलियों की तहलील का जो मामला है, ये इतना ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बना दिया गया, जब आईन में वाजे है कि असेंबलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, तो ये मामला इलेक्शन अदालतों में जाने की कोई जरूरत थी, नंबर एक। नंबर दो, इससे ये जाहिर नहीं होता कि PDM की जमातें इलेक्शन से भाग रही थी, वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मामला अदालतों में लेकर गई हैं? ये इम्प्रेशन तो एक बहुत ज्यादा ही फैला दिया उनके हमारी इस हुकूमत ने, इस जो लगता है कि घबराहट में, कि इमरान खान जैसे बहुत हमसे आगे है वोट बैंक में, बहुत ज्यादा, अच्छा, मतलब है जो उसकी नाकाम हुई है जेल भरो तहरीक, जिस बुरी तरह नाकाम हुई है, उसको भी अब लोग नहीं, मैंने एक दो से बात की है, मुझे फोन आए इधर, मैंने कहा कि वो जेल भरो तहरीक जो नाकामी है, तीस से नवाज इसको, सॉरी इमरान खान को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, वो कहते हैं जी हमें कोई परवाह नहीं है, क्या बात है, ये तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो जो उसका मजाक बना हुआ है, जिस तहरीक जो उसके मजाक बन गई है, उसमें भी लोग नॉट कन्विंस, अब तय हो चुका है कि आप नवाज शरीफ के साथ हैं या नवाज शरीफ के खिलाफ है, आप इमरान खान के साथ हैं या आप इमरान खान के खिलाफ, आप PDM के और पीपुल्स पार्टी के खिलाफ है या आप, अब ये एक तरफ एक खड़े हुए हैं, सही, और दूसरी तरफ दूसरे हैं, अब दो ग्रुप में, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में कौम भी सारी बटी हुई है और अदलिया भी बढ़ गई, अब ये बड़ी परेशानी की बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब आपका। इफ्तिखार दुरानी साहब, जेल भरो तहरीक का आपको नहीं लगता एक मजाक बनकर रह गई है? वो इस लिहाज से कि एक तरफ पुलिस वैन में चढ़ने की भी जल्दी थी, आप जेल में अगर चले गए तो बाहर आने की भी जल्दी है, और जिस मकसद के लिए आप लोगों ने ये जेल भरो तहरीक शुरू की, वो मसला तो अब अदालत में चला गया है। वो तो हाल ही अदालत ने करना है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, नहीं दे होने हैं, किसने तारीख देनी है, नहीं देनी है। तो आप लोगों की इस तहरीक का मकसद आपको नहीं लगता कि ख़त्म हो गया है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसको तासर दिया जा रहा है कि जेल भरो तहरीक जो है वो शायद कोई मजाक बन गई, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह जोक दर जोक लोग लाहौर में आए हैं, पिंडी में आए हैं, पिशावर में आए हैं, मुल्तान में आए हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे सीनियर लीडरशिप जो है, वाइस चेयरमैन हमारे, सेक्रेटरी जनरल हो गए, साबका गवर्नर उमर चीमा हो गए, आजम स्वाति साहब हो गए, फयाजुल हसन चौहान साहब हो गए, जुल्फी बुखारी, मुतअद्दी लीडरों ने अब गिरफ्तारियां दी हैं। तो फिर उनकी फैमिलीज जो हैं वो उनकी रिहाई की दरख्वास्तें क्यों दायर कर रही हैं? इन्होंने ये समझा कि शायद तहरीक फेल हो गई। अभी ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने लाहौर में गिरफ्तारियां की, इन्होंने पिंडी में गिरफ्तारियां की, मुल्तान और पिशावर में नहीं की। उसको बिकॉज बाय डिजाइन वो उसको बताना चाह रहे अवाम को, ये फेल हो गई। अवाम जो है आज देखेंगे लाहौर हाईकोर्ट बार का डिसीजन। आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि आवाम गिरफ्तारी देना चाहती है लेकिन हुकूमत ये तासुर दे रही है, ये इस तरह एक्ट करके कि गिरफ्तारी ना करे और इस तरह ये तासुर जाए कि ये तहरीक नाकाम हो रही है, हुकूमत जानबूझ के गिरफ्तारियों की तरफ नहीं आ रही है, ये कह रहे हैं आप? देखिए जी, ये हुकूमत भी है और उनकी हैंडलर भी बैक एंड से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब कैंपेन इस वक्त चल रही है और ये फेजेज में है इस वक्त। इसका आउटकम क्या है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, इससे फर्क ये पड़ेगा कि आप जो एक एक को उठा के भरना कर रहे थे और उनको खौफ सदा कर रहे थे, उनको तशद्दुद कर रहे थे, आज वो जावेद अली का आपने सुन लिया जो इमरान खान साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके साथ, जिसकी बीवी का बता रहे थे कि उसको भरना करके उसकी वीडियो जो है फेसबुक पर डालेंगे, इस तरह लोग जो है उनका खौफ का बुत टूटेगा। वो टीवी पे आएंगे, बताएंगे आपको कि जी हम खौफ सदा नहीं है, आपने अगर हमें भरना करना है, हमारी बीवियों को भरना करना है। नहीं, 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 आपकी इस तहरीक का मकसद कुछ और था। आपकी इस तहरीक का मकसद ये था कि अगर इलेक्शंस की डेट नहीं दी तो हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, आपका तो मकसद कुछ और है ना? देखें जी, इसका मकसद जो था वो था अर्ली इलेक्शन, खौफ खत्म करना और इन्फ्लेशन, तीन चीजें थी। ठीक है जी, पहला जो था वो अर्ली इलेक्शन था। इलेक्शन में जो है, जो अभी आप चौधरी इंतजाज एहसन साहब से भी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था आपकी कॉन्वर्सेशन जो है उसमें जो है जी, ये एक आईनी पटिशन है, आईन में 90 दिन लिखा हुआ है। इन्होंने अस वर्सेस डैम कर दिया, यानी कि नून लीग पीडीएम वर्सेस पीटीआई कर दिया। हम तो आईन की बात कर रहे हैं, यहां पर उन्होंने कहा हमारे जज तुम्हारे जज, ये करना शुरू कर दिया क्योंकि ये हीलो हिज्जत से काम ले रहे हैं और वो जब तक फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। यहाँ पे शाजिया इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि लोकल बॉडी इलेक्शन करा दें, ये हुकूमत नहीं करा रही, इनसे कोई पूछने वाला है नहीं है। इसी तरह ये फैसलों पे अमल दरामद नहीं करते, ये तहरीक फेज वाइज है, ये चलती रहेगी और आखिर में इमरान खान भी आएंगे इसमें। आप किस फेज में गिरफ्तारी दे रहे हैं? देखिए, मेरी लीडरशिप ने डिफाइन किया है, हमारी कोर कमेटी को जैसे जैसे बता रहे हैं लीडरशिप ने, तो ये डिसाइड किया था कि जो जितनी भी सीनियर लीडरशिप जाके वैनों में चढ़ी है, असद उमर साहब है, शाह महमूद कुरैशी हैं, ये पहले प्लान में तो ये चीजें शामिल नहीं थी, तो ये लोग तो अपने शौक से जाके चढ़ गए, ये तो सब प्लान उल्ट हुआ है। नहीं, प्लान उल्ट नहीं हुआ, उन्होंने कहा क्योंकि जो वर्कर भी गिरफ्तारियां दे रहे हैं तो वी शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने दे दिया। अच्छा, अभी साथ क्या हुआ है, एक जो है ना अफवाह की जो है फैक्ट्री स्टार्ट होगी, कल जो है उन्होंने चलाया कि जी असद उमर साहब की जो अहली है उन्होंने अप्लाई कर दिया है बेल के लिए, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, कहीं पे कोई बेल किसी ने अप्लाई नहीं की। हाँ, हमने एक पटिशन डाली हुई है, वो पटिशन है क्या कि हमारे बंदे जो आपने गिरफ्तार किए हैं उनकी तादाद आप पूरी नहीं दिखा रहे हैं, आप उनके साथ कोई तशद्दुद ना करें, जो उनके साथ जेल मैनुअल में लिखा हुआ है पोलिटिकल प्रिजनर्स के हिसाब से उनके साथ जो है वो सलूक करें। अभी यहाँ पे नामालूम अफराद जो है जेलों में बैठे हुए हैं, उनकी दवाइयां रोक के उनको कपड़े नहीं दे रहे, उनको खाना नहीं दे रहे। जेल भरो तहरीक से पहले शुरू करना सोचना चाहिए था ना कि कोई बर्तानिया की जेलों में तो नहीं आप लोग जा रहे हैं, ये कोई आप महजब मुआशरों की जेलों में नहीं जा रहे, पाकिस्तान की जेलें हैं ये। क्या आप लोगों की सीनियर लीडरशिप अभी जेलों से होके आई नहीं है? आप लोगों को पता नहीं था ये लोग क्या सलूक करते हैं? ये जेल भरो तहरीक शुरू करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए था। हमने बिल्कुल सोचा हुआ है,
ये बरतानिया की जेलें बनेंगी, काजिया हमारा इसके ऊपर रिजॉल्व है, ये खौफ जो है ना साम्राज्य निज़ाम जो है इंडियन एक्ट 1935 जो चल रहा है यहाँ, ये खत्म हो गया इस मुल्क में, ये साम्राज्य सिस्टम है, ये पुलिस साम्राज्य एक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में, ये आज़ाद मुमलिकत है, अगर ये आज़ाद मुमलिकत है तो यहाँ पे बरतानिया जैसी जेलें बनेंगी और हम बना के छोड़ेंगे, इन्होंने जितना जुल्म करना है, हमें भरना करना है, हमारी बीवियों को लेके आना है, उनकी फिल्में बनानी है, सोशल मीडिया डाल दें जो करना है उन्होंने, इस वक्त खौफ रुकने वाला नहीं है, लोग पब्लिक बाहर खड़ी है। आज लाहौर हाई कोर्ट में फैसला जो दिया वकीलों ने, 3700 वोटों से आ रहे हैं ये लोग, आपको फील नहीं हो रहा पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, आप समझ रहे हो जेलों से डर रहे हैं, वो लोग खड़े होना शुरू हो गए नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जिस मकसद के लिए आप लोगों ने शुरू की थी वो सारा जो मसला है इलेक्शन का, वो तो आप सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है, तो आप लोगों की इस तहरीक का मकसद तो खत्म हो जाता है ना, आप लोगों को इलेक्शन चाहिए थे, क्या क्या मिलेगा, क्या हुकूमत कहती है हमारे सरों पर कोई प्रेशर नहीं है, हम पे तो कोई प्रेशर नहीं पड़ा, हुकूमत अभी जुबैर साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कहते हम पे तो कोई प्रेशर नहीं, हम तो कोई प्रेशर नहीं ले रहे, तो क्या किस पर प्रेशर डाल रहे हैं आप लोग? जो उनके खौफ का आलम है शाजिया, उनकी शक्लों में देख लें, उनकी शक्लें बदल गई हैं खौफ से, आप कह रहे प्रेशर नहीं है, कहने में क्या हर्ज है इनका, इस वक्त इनकी कापें टांग रही हैं, इन लोगों ने जुल्म की इंतहा, कल जो है इलेक्शन है राजनपुर में, लोगों जिनकी फसलें खड़ी हैं वहां पे ट्रैक्टर फेर रहे हैं, जिनके दुकानें हैं उनके ऊपर पर्चे कर रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ का बैनर लगा रहा है, ये खौफजदा है, ये गिरती हुई दीवार है, इस वक्त ये निज़ाम बदल रहा है, पाकिस्तान आजादी की तरफ जा रहा है, ये फेज वाइज चल रही है, हर फेज में अपना प्लान है, वो आता रहेगा, आप देखते रहेंगे कितने कितने लोग कहां। बहुत-बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, नाज़रीन फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।